देव में हुआ कुल्लू देव समाज सरकार से रुष्ट। कहा हेलीकॉप्टर व बुलेट प्रूफ कार दौड़ रहे तो देवताओं को नजराना क्यों नहीं। कोविड में देवताओं ने भी सरकार को की है लाखों की मदद। कुल्लू देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व में देवताओं के आगमन से ढालपुर मैदान देवमय हो गया है। देवधुनों से पूरा कुल्लू सराबोर हो गया है, लेकिन देव समाज सरकार से रुष्ट हैं। इस बार दशहरा पर्व में आने वाले देवी देवताओं को नजराना नहीं दिया जा रहा है और बहाना कोविड का है, लेकिन देव समाज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देव समाज का कहना है कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। स्वयं मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और वीवीपीआई को बुलेट प्रूफ कारें खरीदी जा रही है। उसके लिए सरकार के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन जब देवी देवताओं की बारी आती है तो कोरोना का बहाना लगाया जाता है। देव समाज सरकार के इस दोहरे मापदंड से आक्रोशित है। साथ ही देव समाज का यह भी कहना है कि दशहरा पर्व पर ही कोरोना का प्रतिबंध लगाया जाता है और इस बार देवी देवताओं को तो बुलाया, लेकिन व्यापार व सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध इसलिए रखा कि कहीं कोरोना न फैले। लेकिन चुनावी जनसभाओं में हजारों की भीड़ जुटाई जा रही है, क्या उससे कोरोना नहीं फैलता है क्या? देव समाज के लोगों ने कहा है कि कोरोना के संकट काल में जिला के सभी देवी देवताओं ने सरकार का साथ दिया है और लाखों की मदद की। सभी देवी देवताओं ने लाखों रुपए मदद के रूप में दिए हैं, लेकिन अब जब दशहरा पर्व की बारी आई तो नजराना देने से खड़े हाथ कर दिए। देवी देवता गुर संघ के अध्यक्ष अमर सिंह महंत ने कहा कि सरकार देव समाज के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ देव समाज के प्रति सोच की। उन्होंने कहा कि हम सरकार के उस फैसले का स्वागत करते हैं कि व्यापार नहीं होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी देवताओं को नजराना भी न दिया जाए। क्या सरकार यहाँ के व्यापार पर ही निर्भर है? क्या सरकार नजराने को सरकारी खजाने से नहीं दे सकती है? क्या दशहरा कमेटी के पास करोड़ों का धन पेंडिंग नहीं पड़ा है? यह सभी सवाल देव समाज ने उठाए हैं। उधर पुजारी कल्याण संघ के अध्यक्ष धनी राम चौहान ने कहा है कि सिर्फ कुल्लू के ही देव समाज के साथ अन्याय हो रहा है। मंडी में शिवरात्रि होती है, वहां तो नजराना दिया जाता है, वहां न तो कोरोना डराता है और न कुछ और, लेकिन कुल्लू के दशहरा पर्व पर ही इतनी पाबंदियां क्यों? उन्होंने कहा कि पर्यटकों को भारी मात्रा में हिमाचल बुलाया जा रहा है, स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, चुनाव करवाए जा रहे हैं, लेकिन दशहरा पर्व में व्यापार पर प्रतिबंध है, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध है। क्या सिर्फ दशहरा पर्व के व्यापार व सांस्कृतिक कार्यक्रम से कोरोना फैलता है? पर्यटकों से कोरोना नहीं फैलता है, स्कूलों के खुलने से कोरोना नहीं फैलता है, चुनावों में इतनी भीड़ इकट्ठे की जा रही है उससे कोरोना नहीं फैलता है। यह सभी सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इन सवालों से बचना है तो देवी देवताओं को नजराना देना चाहिए। उधर आम देव समाज भी यही प्रश्न सरकार से पूछ रही है। दशहरा पर्व में जितने भी देवी देवता आए हैं उनके सभी कारकुनों के मुंह में नजराने को लेकर यह सवाल उभर रहे हैं और सरकार से रुष्ट हैं। लेकर जो पैदल चलते हैं तो रास्ते में राशन पानी जो यहाँ का भी जो हमारा खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सरकार ने बिल्कुल जो देवताओं का जो नजराना जो है वो अगर कहीं इस संकट में है भी अगर सरकार बहुत कमज़ोर है तो मैं चाहता हूं कि भाई कम से कम आधा 50% तो दो, जिससे कि लोगों का जो हमारे देवलुओं का जो है ना रास्ते का खर्चा, बजंतरियों का खर्चा और सभी जो कारकुनानों का जो खर्चा जो है वो निकल जाएगी। तो मैं समझता हूं कि भाई ये हमारी सरकार और प्रशासन की कमजोरी है जी, क्योंकि ये प्राचीन हमारी देव संस्कृति है, हम इस हमारा जो कुल ही है जी। और अभी जो NHPC से जो पैसा जो DC साहब के वहाँ आता है लाडा का पैसा, तो लाडा का पैसे में से अगर देवताओं को नजराना दिया जाए तो क्या कोई बड़ी बात नहीं है? तो लोग देवलोग भी खुश होंगे और देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। और साथ में जो है पिछली बारी का दशहरा कमेटी के पास भी करोड़ों रुपया बचा है, और उस समय से भी अगर कहीं पुजारी कल्याण सिंह का
जिले का अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले एक डिमांड रखना चाहता हूँ प्रशासन से भी और सरकार से भी कि देवी देवता इतने दूर से आए हैं, मुझे पता लगा न्यूज़पेपर के माध्यम से भी और मीटिंग के माध्यम से भी कि देवताओं को इन्होंने नजराना देना बंद कर दिया है। मैं प्रशासन से अभी डिमांड करता हूँ, मैंने मंत्री जी से भी बात डिस्कस की है, अगर अपने जिलाधीश महोदय से ही बात की है कि इतना दूर से देवी देवता लोग आते हैं, करनी पड़ती है, बहुत खर्चे आते हैं। मैं फिर पुनः पुजारी कल्याण संघ की तरफ से डिमांड रखता हूँ कि प्रशासन को और सरकार को जो है नजराना देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसा का बहुत है मगर ना जाने किस कारण बच्चे उसको खर्च करना नहीं चाहते। हम पुनः जो है बड़े जोर दे करके मैं कहना चाहता हूँ कि हर देवताओं को जो है दूरी के हिसाब से जैसे आज तक देते आए हैं उसी तरह से नजराना। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।